अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। कुल्लू उस्मान की नेक्स्ट एपिसोड भी आ गई, हालांकि ठीक ठाक थी। होलो फेरा को भगा लिया भाई ओहरान ने, और वहाँ पे जो लूकस साहब है मुंह तट्टे रह गए। जो बेचारी वो खातून जेल में थी वो भी बरी हो गई, क्योंकि असली जो कातिल थी उसको लूकस साहब ने कत्ल करके उस्मान साहब के पास पेश कर दिया। उस्मान साहब, ये बंदी थी जिसने आपके ग्रैंड सन को मारा था, या ग्रैंड डॉटर जो भी थी। तो वो जो है ना, ये सारा जो है ना, फिर अलाउद्दीन और इसको हकीकत पता चलती गौ चाको के, भाई अच्छा इसने मारा था। तो कहती है अरे तो मैं तो उसको बहन समझती थी, इसके साथ खाना वगैरह खाया, यही दुश्मन थी। तो वो वाला सीन जो है ना, पूरा जो है बड़ा इमोशनल था, और सारी चीज़ें इसमें मिलती है। फिर जंगें दिखाई गई। ये जो सीज़न स्टार्ट है ना, इसमें जंगों पर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट है, कि हर वक्त जंग, और अच्छी बात है क्योंकि कुल्लू उस्मान का मकसद ही है। पर बीच में थोड़ा सा ना कॉमेडी सीन्स भी हैं, एक दो कॉमेडी सीन्स होते हैं अगर होते हैं तो मुश्किल मुश्किल। दूसरा ये कि अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो यही है कि उस्मान साहब का गुस्सा जो है चार पारा हाई हुआ है बाला खातून का, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट की हैं ड्रामे में। पर अभी जो फिलहाल सिनेरियो है ना, वो ज़रा थोड़ा सा अजीब सा है, कि कुछ खास इसमें ट्विस्ट नहीं, और अगली एपिसोड में भी कोई खास ट्विस्ट नहीं कि मैं उस पर बात करूं। बिल्कुल उस पर भी कॉन्सेंट्रेशन जंगों वगैरह पे ही है ज़्यादातर। और अब ये देखना है कि होलोफेरा और रान की शादी कब होती है, हम तो बस इसी के इंतज़ार में। तो थोड़ा बहुत एक थोड़ा सा ड्रामे में ना ग्रिप आएगी, वरना तो ड्रामा जो है ना बिल्कुल, या तो ये बिल्कुल लव स्टोरी बना देते हैं या बिल्कुल ही जंगों पे चला देते हैं। मतलब बीच का इनका रास्ता नहीं है कि थोड़ी तहमुल से हर चीज़ को सेट वेट करें, पुराने किरदारों को भी लाएं, नए किरदारों को लाएं, क्योंकि हो सकता है कुछ पुराने किरदार जो गए उसकी वजह से थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है कुल्लू उस्मान के एपिसोड्स, कि भाई सब नए किरदार नज़र आ रहे हैं, कोई पुराना नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने थे। तो वो देखना है। तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ तुम लोग कैसी लगी एपिसोड, मुझे तो ठीक ठाक लगी। तो उम्मीद करता हूँ रिव्यू अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन।